नमस्कार, जय जैनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन मुंबई में हूँ। हमारे देश में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं, इसकी रक्षा, इसका संरक्षण भारत की एक प्राचीन सबसे बड़ी संस्था है, उसके द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी। और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जैन रथ में शामिल हो रहे हैं, जिनका नाम है श्री शिखर चंद जी पहाड़िया। जय जिनेंद्र सर, किस तरह के व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं? हम लोग कपड़े के व्यवसाय में हैं। हम लोग का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। हम 60 साल से करीब कपड़े के व्यवसाय में हैं। आपके द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं? देखिए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी इटसेल्फ बहुत बड़ा काम है, परंतु आचार्य विमल सागर जी की कृपा से मैं सब काम कर लेता हूँ। जैसे कि आज जितने भी इंडिया में तीर्थों पर केसेज वगैरह हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। आज 125 साल पुराने केसेज सितंबर दिगंबर के जो चल रहे हैं, उनको भी निपटा रहा हूँ। काफ़ी हद तक काफ़ी निपट गए हैं, और मैं सोचता हूँ आचार्य विमल सागर जी की कृपा से ये भी जल्दी से जल्दी निपट जाएंगे। और अभी अभी हम लोगों ने जो समय शिखर जी वगैरह में काम किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसे पहाड़ का जीर्णोद्धार का काम कराना, जैसे अभी चंदा प्रभु भगवान के टोंक को पहले बहुत सकड़ी थी, उसको बहुत चौड़ा करवा दिया, ऊपर कलश नहीं था, कलश लगा दिया। मैं इलेक्ट्रिक पहले समय शिखर जी में हर टोंक के ऊपर बिजली गिरती थी, उसका बिजली का इलेक्ट्रिक वगैरह लगाना करना, अभी कोई भी टोंक पर बिजली नहीं गिरती है। सड़कों का काम करना, अभी बेंचें लगाना, ये सब काम तीर्थ क्षेत्र कमेटी कर रही है। पहाड़िया जी, आज की युवा पीढ़ी न दिगंबर समझती है न श्वेतांबर समझती है, उनका कहना है कि जैन तो जैन ही है, एक ही महावीर स्वामी है, एक ही नमोकार मंत्र है, तो फिर ये भेदभाव आज भी क्यों है? इसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोग सब जैन हैं, जैन के हिसाब से ही हम उनको सबको आगे चलना चाहिए। न तेरा है, न बीस है, न स्थातंकवासी है, न मूर्ति पूजक है, अपन को सबको एक मिलकर चलना चाहिए। जैसे अभी अभी हमारा प्रयास चल रहा है समन्वय का, हम लोग सितंबर दिगंबर दोनों मिलके समन्वय का काम करने जा रहे हैं, ताकि हम लोग सब मिलके काम करें, इंडिया में मिलके रहें, और जितने भी हमारे पुराने केसेज हैं हम समन्वय से रख करेंगे, सबको हटा लेंगे, सबको हटवा देंगे। ये प्रयास अगर हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि हमारा जैन धर्म आज जो पीछे है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन को लोग भूल जाते हैं। अगर ये प्रयास एकजुटता का हो जाएगा तो भारत का नया नारा, जो मेरे मन की इच्छा है कि हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई बन जाएगा। पहाड़िया जी, आप तो अनेक संस्थाओं से भी जुड़े हैं, किन किन संस्थाओं से आपका जुड़ाव है? देखिए, मैं महावीर जी के अंदर कमलाबाई में जुड़ा हूँ, महावीर जी मेन मंदिर में जुड़ा हूँ, पद्म प्रभु मंदिर में जुड़ा हूँ, भिमुंडी मंदिर से जुड़ा हूँ, काफ़ी संस्थाएँ हैं जिसमें जुड़ा हूँ, शिखर जी समय शिखर जी में कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ, और आचार्य विमल सागर जी महाराज का एक ट्रस्ट है, उसमें मेन उसी से मैं जुड़ा हूँ, वही सबसे हमारा बड़ा ट्रस्ट है, उसी का हमको आशीर्वाद है, उसी से हम जुड़े हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी भी आपको देख रही है, सुन रही है, श्वेतांबर समाज भी देख रहे हैं, दिगंबर समाज भी आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देंगे? हम बस ये संदेश देते हैं, भाई हम दोनों भाई भाई मिलकर काम करेंगे, ताकि हम लोग हर आदमी का, हर चीज़ का सामना, गवर्नमेंट का सामना कर सके। यदि हम दोनों एक हैं और दोनों एक रहेंगे, तो हम पूरी समाज से, पूरी सरकार से हम लोहा ले सकते हैं। आज जैन समाज जो है, आज 45% टैक्स देती है, और उसके बाद में भी वो दबके रहते हैं। उसका रीज़न ये कि हम दोनों में झगड़े हैं, कि इसके लिए कोई भी आदमी ऊपर नहीं आता है। अभी हम लोगों का ऐसा चल रहा है कि दोनों का समन्वय हो जाएगा, तो हम सबका हम सामना कर लेंगे। पहाड़िया जी, मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप अपने नाम के साथ जैन जरूर लिखें। अगर आप अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे, आप इतनी बड़ी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपको देखकर अनेक लोग अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे, और हमारे जैन समाज की पहचान पूरी दुनिया में होगी। आज आप ये समझ लो, पूरी जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि 40-45 लाख जैन है, नहीं, मैं बोलता हूँ एकदम गलत है। आज 40-45 लाख, 50 लाख जैन तो आपको केवल महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। जो पाटिल हैं वो भी जैन हैं, कई जो है, जैसे मैं पहाड़िया लगा रहा हूँ गलती से, तो मैं भी जैन हूँ। वैसे काफ़ी जैन 45 लाख से ऊपर नहीं, करोड़ों की संख्या में जैन है यहाँ पे इंडिया में। तो फिर ये जो संख्या है, इसके लिए प्रयास तो आप जैसे लोगों को करना होगा कि वो अपने नाम के साथ जैन लगाएं। हम लोग सबसे अपील कर रहे हैं, सब संस्थाओं से अपील कर रहे हैं कि भाई आप लोग सब लिखो कि भाई अपने आगे जैन लगाएं,
आज से मैं भी शिखर चंद पहाड़िया जैन लिखूंगा और लोगों को से अपील करूंगा कि भी आप लोग सब भी जैन लिखें। शिखर चंद जी साहब, आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज जो आप ये काम कर रहे हैं, सब जो दिगंबर सितंबर या कोई भी स्टार्टिंगवासी सबको एक मिल के आप ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आगे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय जी ने जय जय।